अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोड पड़ता है? हमें नहीं मिलता इंडिया का कोड, कमाना पड़ता है। पहलवान जो कुश्ती चैंपियन है अपने गांव की यादों को ताजा करता हुआ अपनी कहानी सुना रहा है। भारत के हरियाणा के एक छोटे से गांव मेवात, ये एक छोटा सा 200 लोगों का गांव है जो पहाड़ियों में बसा हुआ है। यहां लोग साधारण जीवन जीते हैं। ये गांव ना हरे भरे खेतों और जंगलों से घिरा हुआ है और इस गांव के बीचों बीच एक छोटी सी नदी बह रही है और उसके ठीक ऊपर आसमान में सूरज तेज चमक रहा है जो जमीन पर एक गरम सुनहरी चमक बिखेर रहा है। गांव में छोटे छोटे लकड़ी के घर बने हैं जिनकी छतें ऊपर की बनी है, जिनमें से प्रत्येक के सामने एक छोटा सा बगीचा है जहां बच्चे इधर उधर भाग कर पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। गांव की महिलाएं खेतों में फसल बोती और काटती है, वहीं पुरुष घर बनाने, बाड़ की मरम्मत करने और अपने पशुओं को पालने का काम करते हैं। गांव का केंद्र एक बड़ा खुला चौक है जहां गांव वाले आयोजनों और त्योहारों के लिए इकट्ठा होते हैं। साथ ही केंद्र में एक कुआं भी है जहां लोग पानी भरने और ताजा समाचार प्राप्त करने के लिए अक्सर आते जाते रहते हैं। ग्रामीण एक संगठित समुदाय है जो हमेशा अपने पड़ोसियों को जरूरत पड़ने पर मदद करती है। गांव वालों का जीवन बहुत ही सरल है और ये प्यार, हंसी और कड़ी मेहनत करते हैं। ग्रामीण आत्मनिर्भर थे, अपना भोजन, कपड़े और अपने पशुओं की देखभाल खुद करते थे। वे पड़ोसी गांव के साथ वस्तुओं का व्यापार करते थे, लेकिन साथ ही ये बाहरी दुनिया से अछूते जीवन जीते हैं। गांव में एक छोटा सा मंदिर भी है जहाँ गाँव के लोग पूजा करने और देवताओं को प्रसाद चढ़ाने आते हैं। मंदिर में पुजारी रहते हैं और सभी उनका आदर और सम्मान करते हैं। ये जंगलों और खेतों की देखभाल करते हैं और जरूरत से ज्यादा इन प्राकृतिक चीजों का प्रयोग कभी नहीं लेते हैं। वे आधुनिक तकनीक के सुख सुविधाओं के बिना इस जीवन में संतुष्ट है। गांव से निकला और बना एक पहलवान, कैसे रही होगी इसकी जर्नी? तो दोस्तों आपको बता दें कि आने वाली फिल्म यानी दंगल का सीक्वल दंगल 2 में हमें कुछ ऐसी ही कहानी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों क्या कहना है आपका इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।